आज के इस वीडियो में मैं लेने वाली हूँ आप सभी की एग्जाम। जैसे आप मुझे हमेशा चैलेंजेस देते रहते हो, तो आज मैं आई हूँ चैलेंज लेके आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। चैलेंज नहीं, एक होमवर्क समझ लो, जैसे आप लोगों ने अभी तक क्या क्या चीजें मुझसे सीखी है। सो आज मैं होमवर्क देने वाली हूँ आपको, मतलब सीधी सी बोलूँ तो एक एग्जाम होने वाली है, देखते कितने लोग पास होते हैं। वैसे तो मुझे पता है सारे लोग पास ही होंगे। सो जितने भी लोग अभी पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, हाई एवरीवन, कशिश जी इन दिस साइड ऑल द वे फ्रॉम पीके मेकअप स्टूडियो। एंड मैं वीडियो स्टार्ट करूं से पहले मैं ये चाहूंगी कि आप फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे सारे वीडियो की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो चलिए, मैं बात करी थी एग्जाम की। सो एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, ये जो लुक आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये ही आपका होमवर्क है। मतलब आपको क्या करना है, ये लुक को रिक्रिएट करना है। एंड आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी यानी कि कशिश जैन 613 को टैग करना है। मतलब कि जब भी आप ये लुक रिक्रिएट करो ना, उसका फोटो लीजिए, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे उसे अपडेट कीजिए और मुझे टैग कीजिए। मैं डेफिनेटली सारी स्टोरीज रीशेयर करने वाली हूँ। सो दिस इज योर होमवर्क, देखते हैं आप में से कितने लोग इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। मुझे पता है वैसे तो सभी करोगे। सो देखती हूँ। ओके, सो वीडियो स्टार्ट मैं कर रही हूँ। आज का जो मेकअप लुक है ना, वो मैं डस्की स्किन पे क्रिएट कर रही हूँ। सो ये है हमारा ब्राइडल मेकअप ऑन डस्की स्किन। सो फर्स्ट मैंने पिक्सी टोनर अप्लाई किया है एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइजर। एंड एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइजर यूज़ करने का रीज़न है कि काफ़ी ज़्यादा ड्राई स्किन है मेरी मॉडल की। और एक और चीज़, काफ़ी सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या एम्ब्रोलिस मॉइस्चराइजर हम एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, तो नो, आप एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइजर एज अ प्राइमर यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ मिल्क का प्राइमर, बिकॉज जहाँ जहाँ पे मुझे थोड़े से पोर्स दिख रहे थे, तो मैंने पोर्स वाले एरिया पे ये मिल्क का प्राइमर अप्लाई कर दिया है। ओके, नेक्स्ट मैं थोड़ा सा मेकअप स्टूडियो का प्राइमर भी यूज़ कर रही हूँ। एंड अगर आप डिटेल में मेरे मेकअप सीखना चाहते हैं थियोरी और सभी के साथ, तो आप हमारी आने वाली ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन कोर्स की इंक्वायरी के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन 7228996655। एंड प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, वैसे तो आपकी एग्जाम है, सो प्लीज़ नोट्स के साथ बैठिएगा, नोट और पेन के साथ बैठना, ताकि आपको हर एक स्टेप याद रहे कि मैं कब कौन से स्टेप पे क्या यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ क्राइलॉन का 303 और जहाँ पे भी डिस्कलरेशन है वहाँ पे मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। एंड उसे कर रही हूँ ब्लेंड यूजिंग अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर। उसी के ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ ELF का कंसीलर, जिसका शेड है 10 न्यूट्रल। एंड कंसीलर के ऊपर, सॉरी, करेक्टर के ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ विच इज़ ELF कंसीलर। एंड एक और चीज़ गाइज, जिसका लुक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, उसके लिए प्राइज रहने वाला है। सो एग्जाम है तो, बट ऑब्वियस फर्स्ट सेकेंड थर्ड टॉपर्स तो आएंगे ही आएंगे। सो लेट्स सी कौन इस बार की बाजी मार के जाता है। वैसे मुझे पता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है विनर चूज करने में, लेकिन आई थिंक वी कैन डू दिस। एंड अगर आप ये रिक्रिएट करें ना, तो स्टोरी के साथ साथ प्लीज़ मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे आपका लुक भेजिएगा, ताकि मैं पर्सनली सभी का लुक देख सकूं, क्योंकि स्टोरीज जो होती है वो 24 आवर्स में जो की है चली जाती है इस वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे मैं शोपरेल का फाउंडेशन यूज़ करी हूँ। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख गए होंगे। एंड आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करी हूँ वही आपको यूज़ करना है। एंड ये मेकअप मैंने चैलेंज के लिए इसीलिए रखा है, क्योंकि ये जो मेकअप है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, एंड आई नो आप लोग डेफिनेटली ये कर पाओगे। एंड अगर आप चाहते हो कि आगे मैं आप लोगों को और भी चैलेंजेस दूँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि येस, हमें चैलेंज चाहिए। क्योंकि you know, जब हम किसी को चैलेंज देते हैं ना, तो ही हमें उसको पूरा करने की ऐसा होता है कि नहीं यार, पूरा करना है, मुझे किसी ने चैलेंज दिया है, इसीलिए मैं चैलेंज वर्ड यूज़ करी हूँ। अदरवाइज एक तरह से बोलूँ तो एग्जाम ही हुई, लेकिन वो चैलेंज वर्ड है ना, तो ऐसा लगता है नहीं यार, चैलेंज दिया, पूरा करना ही पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग चैलेंज वर्ड। नेक्स्ट टाइम ब्लेंडिंग दिस, यहाँ पर मैं यूज़ करी हूँ फेरा रुशी का कॉन्टोर पैलेट। यू कैन यूज़ क्राइलॉन निग्रो एज वेल, अगर आपके पास ये वाला प्रोडक्ट नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट से करो, देर इज़ लाइक नो प्रॉब्लम, बस लुक हमारा अच्छा आना चाहिए इन दी एंड। ओके, सो कॉन्टोर मैं ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, एकदम सटल कॉन्टोर दे रही हूँ। एंड मैंने तो आप लोगों को चैलेंज दिया ही है, अगर आप लोग भी मुझे कोई चैलेंज देना चाहते हो तो प्लीज़ दीजिएगा, क्योंकि मैंने मेरे चैलेंजेस के लिए हमने एक नया YouTube चैनल क्रिएट किया है विच इज़ लाइफस्टाइल बाय पीके, जो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जिसके ऊपर मैं सारे चैलेंजेस पोस्ट करूँगी। सो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पर मैं यूज़ करी हूँ ELF का कंसीलर, जो कि मेरे मॉडल की स्किन से एक या दो टोन लाइटर है, उसका शेड है मीडियम सेंट। एंड उसे मैंने अप्लाई करके ब्लेंड कर दिया है, और डस्की स्किन था। वैसे आप लोग देख सकते हो मैंने आज एकदम नेचुरल बेस क्रिएट किया, मैंने बिल्कुल भी फेयर मेकअप नहीं किया, बिकॉज मेरे पिछला जो मेकअप वीडियो था उसमें मैंने आपको फेयर मेकअप ऑलरेडी सिखाया है। सो अगर आपने मेरा पिछला मेकअप वीडियो नहीं देखा हो, तो प्लीज़ जाइए और चेक कर लीजिए। और जितने भी लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो, आप लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी आपने मेरे चैनल पर, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, सो ज़रूर ज़रूर जाके चेक करिएगा।
एंड यहाँ पे कॉन्टोर पाउडर कॉन्टोर मैं यूज़ करी हूँ, जिसे आप ब्रॉन्जर भी बोल सकते हो. तो कॉन्टोर को शार्प दिखाने के लिए मैं यूज़ करी हूँ. एंड नाउ द बेस्ट पार्ट इज गोइंग टू कम, विच इज़ आई मेकअप. और यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ मेकअप स्टूडियो का बनाना पाउडर, विच इज़ येलो पाउडर आप बोल सकते हो. एंड देखते हैं आज जो चैलेंज मैंने दिया, जो एग्ज़ाम आपकी होने वाली है, उसमें आई मेकअप मुझे पता है सब लोग अच्छे से ही करोगे, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग जब मेरा लुक रिक्रिएट करते हैं ना, तो कितने तो ऐसे भी होते जो मुझसे भी अच्छा करते. तो इट फील्स सो गुड कि मेरा चैनल आपको इतना ज़्यादा काम आ रहा है एंड आप लोग भी मुझे उतना ही सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ओके, सो लूज पाउडर इज डन एंड आई मेकअप मैं स्टार्ट करी हूँ. बहुत ही ध्यान से देखिएगा प्लीज, अगर कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया तो आप उसको स्क्रीनशॉट करके सेव करिएगा, ताकि आपको याद रहे कि इस जगह पे ये कलर यूज किया था. सबसे पहले मैं यूज करी हूँ एनास्टासिया का पोमेड, जिसका शेड है डार्क ब्राउन. आपको ब्लैक कलर यूज नहीं करना है आईब्रोज के लिए. सो दिस इज द डार्क ब्राउन कलर. एंड नेक्स्ट हम लोग आई बेस लगाएंगे. फर्स्ट हम व्हाइट बेस मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ. अगर आपके पास व्हाइट बेस नहीं है, कोई भी कंसीलर आप लगा सकते हो विदाउट एनी डाउट. एंड अगर इस लुक में आपको कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती है. सो लुक को रिक्रिएट करने के पहले कमेंट करके मुझसे पूछ लेना. वैसे आज के दिन तो मैं सभी रिप्लाई करने वाली हूँ, पर्सनली मैं रिप्लाई करने वाली हूँ. तो यहाँ पे मैं कार्निवल पैलेट यूज़ करी हूँ, जिसका लाइट ब्राउन शेड ले रही हूँ. आप कोई भी पैलेट में से आप लाइट ब्राउन शेड ले सकते हो. एंड प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, अगर एक भी स्टेप आपने छोड़ दिया तो शायद आपका लुक ऐसा नहीं आएगा, मतलब अच्छा नहीं आएगा. एंड 2 से 3 बार वीडियो को देखना, ताकि आप हर चीज़ अच्छे से ऑब्जर्व कर लो एंड देन आपका जो भी लुक रिक्रिएट करना है वो ज़रूर करना. नेक्स्ट यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड यूज़ करी हूँ सेम पैलेट में से, वो भी सिर्फ और सिर्फ आउटर कॉर्नर पे, और कहीं नहीं देना है. सिर्फ और सिर्फ आउटर कॉर्नर पे मैंने डार्क ब्राउन शेड दे दिया है एंड सेम इस तरह भी डार्क ब्राउन शेड मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे डन. एंड गाइस, जो फ्री ऑनलाइन क्लासेस का जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो, तो फ्री ऑनलाइन क्लासेस मैंने सेकंड लास्ट वीडियो में चेक जरूर करिएगा, अगर आप फ्री ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो. यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कट क्रीज के लिए फेरारुशी का कंसीलर, और उसी से कट क्रीज क्रिएट कर रही हूँ. बहुत ही ईजी आई मेकअप है, ध्यान से देखोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा. एंड कट क्रीज इज डन. सेकेंड लाइक्स पे भी सेम हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं. एंड आई थिंक तो आप लोगों ने मुझे अभी तक तो चैलेंजेस दे ही दिए होंगे, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो यू गाइस कैन आस्क मी. एंड जितने भी नए लोग हैं, आप सभी को भी ये लुक रिक्रिएट करना है, और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलिएगा, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपने मेरा लुक रिक्रिएट भी किया है. ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मरून कलर का आई शेडो, जिसे मैं ब्राउन के बाद अप्लाई कर रही हूँ. मरून के बाद हम गोल्डन एंड वाइट इस तरह से 2 कलर्स और एड ऑन करने वाले हैं. जस्ट वेट एंड वॉच. एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से स्किन टोन पे मेकअप देखना चाहते हैं, डस्की स्किन टोन, फेयर टोन या विटिश टोन. आप जो टोन बोलेंगे उस टोन के अकॉर्डिंग मैं आपको मेकअप दिखाऊंगी. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वाइट अप्लाई कर दिया है एंड थोड़ा सा गोल्डन भी हम लेंगे. वाइट इज डन. एंड उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें अभी आई मेकअप में आनी बाकी है. नेक्स्ट यहाँ पर मैंने गोल्डन आई शेडो अप्लाई कर दिया है, विच इज़ फ्रॉम बी यूनिक आई शेडो पैलेट. गोल्डन तो आपकी किसी भी पैलेट में होगा, कोई भी गोल्डन आई शेडो यूज़ कर सकते हो. यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ शोपरेल का दैट पिगमेंट, जो कि मैंने थोड़ा सा इनर कॉर्नर पर लगाया है. इस तरफ भी मैं लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा क्वान्टिटी में. अगर आपके पास पिगमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली आपका मेकअप स्टूडियो का 2-वे जेल लगा के उसके ऊपर ग्लिटर लगा सकते हो, जैसा कि मैं कर रही हूँ. मैंने मेकअप स्टूडियो का 2-वे जेल लगाया, उसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ PKC का गोल्डन ग्लिटर. एंड अगर आप ये ग्लिटर ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो. सेम इस तरफ. एंड ये ग्लिटर लगाने के बाद हम लाइनर अप्लाई करने वाले हैं. मैंने यूज़ किया इंग्लॉट का जेल लाइनर. आप कोई भी लाइनर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास है. डायरेक्टली आप पेन लाइनर यूज़ करिए या लिक्विड लाइनर यूज़ करिए, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो. एंड लिपस्टिक पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब मैंने मेरे इंस्टाग्राम पर अपडेट किया, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि प्लीज़ लिपस्टिक का शेड बताइए. सो आज इस वीडियो में बताऊँगी कि कौन सा लिप शेड मैंने यूज़ किया था. यहाँ पर मैं यूज़ करी हूँ मोजो का हाईलाइटर थोड़ा सा. एंड मुझे बेस मेकअप इस मेकअप में बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो आप लोगों को इस पूरे मेकअप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया वो भी मुझे कमेंट करके बताना. यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ आईलैश कलर, ताकि हमारी जो आईलैशेस की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही अच्छे से आए. इस तरफ भी कर रही हूँ. एंड सेम दूसरी तरफ मैं फेरारुशी का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ एंड मैंने लैशेज लगा दिए. एंड डोंट फॉरगेट, अगर आपकी लुक को रिक्रिएट करें तो लैशेज ज़रूर लगाएगा, क्योंकि लैशेज से हमारे आई मेकअप में बहुत ही ज़्यादा लुक आता है. नेक्स्ट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शोपरेल का ब्लश ऑन पैलेट, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है.
ऑन द चीक्स, ये थोड़ा सा जो है डार्क रखिएगा, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा पिंक शेड अप्लाई कर दोगे तो जो मेकअप सटल हमने किया ना वो हैवी हो जाएगा. सो नॉर्मल ब्लश ऑन ही रखा है मैंने. नेक्स्ट आंखों को बड़ी दिखाने के लिए मैं यूज़ करी हूँ कलर क्रश का वाइट काजल, एंड वाइट काजल ने हमारा पूरा लुक ही चेंज कर दिया, एंड यू कैन सी हाउ अमेजिंग इट इज़ लुकिंग. एंड वाइट काजल के नीचे मैंने सिर्फ मरून से शेडिंग की है. आपने हमेशा मेरे वीडियो में देखा होगा कि मैं अंडर आइज में हमेशा काजल लगा के स्मच करती हूँ, बट मैंने सोचा नहीं मेरे स्टूडेंट्स का होमवर्क होने वाला है तो क्यों ना मैं थोड़ा सा सिंपल ही रखूँ इस बार. तो मैंने सिर्फ मरून कलर से शेडिंग दी और इनर कॉर्नर पर मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा वाइट कलर का आई शेडो, और यू कैन सी कितना ज़्यादा लुक आया है. हर एक चीज़ आप प्लीज़ डिटेलिंग से देखिएगा और डिटेलिंग से करिएगा, पूरी जान डाल देना इस लुक में, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम चैलेंजिंग यू गाइज. नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ऑफ्रा का हाइलाइटर पैलेट, जो कि बहुत ही नेचुरल और बहुत ही अच्छा है ब्राइट्स के लिए, और अप्लाई कर रही हूँ मैं. ये स्क्रीन पे भले कम दिखे लेकिन रियलिटी में इट लुक्स वेरी नेचुरल और बहुत ही सेटल लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है. सेम दूसरे तरफ भी, नोज ब्रिज, फॉरहेड का टेम्पल पार्ट, एंड यहाँ पे द बेस्ट थिंग बिंदी, जो कि बिंदी के बिना. यहाँ पे मैं दो शेड्स यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक में, पहला है शॉपरेल का और दूसरा है मेकओवर ब्रांड का शेड है. मैंने क्या किया है, पूरे बॉर्डर्स पे मैंने मेकओवर ब्रांड की लिपस्टिक दी है और सिर्फ लिप के यू नो बिटवीन में, बीच में मैंने यूज़ किया है शॉपरेल का लिप शेड विच इज़ अ वेरी लाइट शेड, और मेकओवर का मैंने डार्क शेड यूज़ किया है और उसके ऊपर थोड़ा सा आई शेडो भी मैंने अप्लाई किया बॉर्डर्स पे, ताकि हमारा जो लिप शेड है वो और भी अमेजिंग उठ के दिखे. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग, और इतना अच्छा लग रहा था लिप शेड इन रियल, आई कांट टेल यू गाइस. एंड आई होप आपको ये मेकअप लुक बहुत पसंद आया होगा. एंड डोंट फॉरगेट माई चैनल, यू हैव सॉरी चैनल नहीं, डोंट फॉरगेट द चैलेंज जो आप लोगों को करना है. एंड देन दिस इज़ योर एग्ज़ाम, ओके. सो अच्छे से इस वीडियो को देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, एंड आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, लाइक एंड कमेंट ऑन दिस, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय एवरीवन.